देखो हमारा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास बाई वॉल्यूम होता है। ठीक यस सर। मास कितना आएगा अल्कोहल का, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो देखो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमको, वॉल्यूम हमें नहीं पता है तो हमने वी ले लिया, सही है। यस सर, जीरो इनटू डेंसिटी कितनी है, 0.3 पॉइंट जीरो। और ये कितने परसेंट है बोलो, फाइव 75% है। तो हाँ इनटू कितना करना पड़ेगा बताओ, 75/100। दूसरी इक्वेशन देखो, डेंसिटी कितनी है बताओ, 0.9 है। हाँ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 150 है। 150 हाँ और ये अच्छा कितने परसेंट है बताओ, 30/100 30/100। तो अब इसको कट करते हैं। अब मास तो अल्कोहल का सेम रहेगा ना, क्यों अल्कोहल का मास तो मास चेंज नहीं होगा ना मोलर दोनों के, है ना। नहीं ये मोलर मास लेकर नहीं मोल मतलब मास मास मोलर मास, देखो मोल मोलर मास भी सेम रहेगा, मोल भी सेम रहेगा और मास भी सेम रहेगा। अच्छा वैसा हाँ समझा अभी क्या होगा, कट करते हैं, ये कट गया तो कितना आता है, देखो अभी कितना हो जाएगा, 0.9 इंटू 4,500 ऊपर आ गया, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 75, 60 आ गया, ये कट गया। तो ये कितना होगा, 8 को डिवाइड करना है 540 से, सिक्सटी 7.5 आ जाएगा। समझा हाँ कैसे क्या, समझ। ऐसे मोल्स अगर दो सॉल्यूशन दिया रहेगा तो सेम ही रहेगा ऐसे। नहीं यार दो सोल्यूशन का नहीं सेम रहेगा। इसको यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि 75% एल्कोहल बाई वेट इस सोल्यूशन में है, ये एक सोल्यूशन है। अब उसी को हमको बनाना है, सेम जो सोल्यूशन है उसी को हमको बनाना है 150 ml, और उसमें 30% एल्कोहल और डेंसिटी इतनी हो, अच्छा तो मास सेम रहेगा दोनों केसेस में दोनों केस में समझा अल्कोहल का मास सेम रहेगा, हाँ समझा। और पहले सोल्यूशन में कितने परसेंट अल्कोहल है, 75%, तो इसीलिए मास का हाँ कितना करना पड़ा, 75 करना पड़ा। अब देखो इस क्वेश्चन में एक गलती थी जिसकी वजह से तुम कंफ्यूज हुए, बताओ इस सॉल्यूशन में क्या गलती थी। ये जो क्वेश्चन है इसमें गलती है, बताओ क्या है। गलती तुम्हें कंफ्यूजन क्यों आया बताओ,
क्योंकि तो भी ये डेंसिटी से कंफ्यूज हो गई कि ये सॉल्यूशन की है कि सॉल्यूट की है, समझा? हाँ यहां पे लिखना चाहिए था हाँ क्लियर कि ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्यूशन की है, समझा ना? तो हम ये जो यस मास, सर, ये जो हम मास निकाल रहे हैं, किसका मास हमने निकाला? सॉल्यूशन का मास सॉल्यूशन निकाला, और उसका हमने 75% किया तो हमें किसका मास मिल गया? अल्कोहल का। हाँ और ये वाली जो डेंसिटी, ये भी डेंसिटी किसकी है बताओ? सॉल्यूशन की है, सॉल्यूशन इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन आया। तुमको लगा होगा कि ये डेंसिटी सिर्फ अल्कोहल की हो सकती है। हाँ, हाँ मैंने वैसे ही किया क्लियर नहीं था ना लैंग्वेज, इसलिए दिक्कत हुई। चलो नेक्स्ट बताओ।